सौ से चलता है। किसी ने 100 जोड़ा लगाया हुआ तो महीने का 70-80 100 जोड़ा आपको इजीली दे। इसके अंदर एक रिंग आ जाता है इसकी आंखों के अंदर ना, वाइट रिंग आ जाता है। जब ये वाइट रिंग आता है ना तो ये क्लियर हो जाता है मेल फीमेल। इसको गर्मी लगती है जो ब्रीडर पेयर होंगे। हाँ, पट्टों को आप गर्मी में रख सकते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं बीफो बर्ड्स की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं उसाम आपके खिदमत में हाजिर हूं। वैसे कि मौजूद लालू खेत बर्ड्स मार्केट में, और आज इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जो है डफ की पेयरिंग के हवाले से, डफ की पेयरिंग किस तरीके से की जाती है, मेल फीमेल किस तरीके से चेक किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लोग इस हवाले से परेशान रहते हैं। मैं खुद भी पर्सनली जब डव की पेयरिंग की बारी आई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो इसी हवाले से ताहिर भाई से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या तरीका कार बताते हैं किस तरीके से जो है डव की पेयरिंग चेक की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा खैरियत, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा ताहिर भाई, सबसे पहले तो डव की पेयरिंग के हवाले से बताएं। डव का पेयरिंग का सीज़न अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। तकरीबन दिसंबर जनवरी में थोड़ा सा सर्दी की वजह से थोड़ा सा ढकना पड़ता है परिंदों को। अच्छा, बाकी ये पूरा साल के ब्रीड का परिंदा है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसकी प्रोग्रेस है। हर महीने 2 अंडे 2 बच्चे आपको जो है ना ये निकालता है। 12 साल के 12 महीने ब्रीड करने वाला बर्ड है। अच्छा। और आपको 12 से 13 दिन में अंडे जो है वो से चिक निकाल। हैचिंग पीरियड मतलब इतना है? जी बिल्कुल, हैचिंग पीरियड इसका बिल्कुल शॉर्ट है, फिंच से भी कम है। तो फिंच का तकरीबन 16 दिन का होता है और इसका तकरीबन 13 दिन का जो है हैचिंग हो जाती है अंडों में। 13-14 दिन में जो है ना अंडे से बच्चा बाहर निकल के जो सेल्फ में भी आ जाता है, दोबारा अंडे दे देती है। तो यह है कि आपका मंथली बेसिस पे आपका इसका प्रोसेस चलता है। किसी ने 100 जोड़ा लगाया हुआ तो महीने का 70-80 100 जोड़ा आपको इजीली दे देता है ये बर्ड। अच्छा माशाल्लाह। और ये भी बताएं कितने टाइम में रेडी हो जाता है ये टाइम जो अंडे से निकलने के बाद ठीक 6 महीने बाद ये ब्रीड के लिए तैयार होता है। महीने में बिल्कुल। और बाद अवत ऐसा होता है कि जल्दी भी फीमेल इसकी ब्रीड कर जाती है, कि मेल जो है टाइम लेता है 6 महीने में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम। अच्छा ये भी बताएं कि रिंग कितने टाइम में आ जाता है? इसके रिंग जो आता है वो आई रिंग इसका होता है, बिल्कुल साइड में जो रेड कलर का या ऑरेंज कलर का होता है इसका रिंग, उसको हम लोग काउंट करते हैं रिंग में, हाई रिंग ना। तो उसमें जब हम देखते हैं कि मेल का रिंग जो है वो बड़ा हो चुका होता है और फीमेल का रिंग होता है छोटा। छोटे बड़े से मुराद ये होता है कि मेल का रिंग जो है वाजे तौर पे उभरा हुआ होगा और फीमेल का जो है वो छोटे साइज का रिंग होगा, उसमें फीमेल की ऐसी पहचान होती है। और ये भी बताएं कि हड्डी से भी चेक किया जाता है, लोग जो बताते हैं कि हड्डी से भी इसका चेक किया जाता है। देखिए हड्डी से कॉमन हर तमाम परिंदों का ऐसे ही होता है। अच्छा। सिवाय जावा के और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं कैनरी हो गए तो उसका जो है ना वो हड्डी से चेक नहीं होता, कुछ और सिम्टम्स होते हैं उसके चेक करने के होते हैं। बाकी कॉमनली बर्ड जो है ना वो साइज से और हड्डी से चेक किया जाता है, तो उससे इजीली पकड़ में आ जाता है कि तो हम बातों का जैसा होता है पट्टे इसमें होते हैं तो पट्टों में भी हम लोग ऐसे हड्डी से ही चेक करते हैं मेल फीमेल का, वरना बड़े में हूँ आप वादे तौर पे इसके में क्लियर नजर आएगा कि मेल का वादे तौर पे एक छल्ला बना हुआ होता है रिंग का और मोटे साइज का, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नजर आएगा मोटा और भद्दा हुआ हुआ, और फीमेल का जो है वो कम होता है। अच्छा मतलब जिस तरीके से, अच्छा ताहिर भाई दो पीस पकड़ के मेल फीमेल दिखा दे ताकि थोड़ा वाजे हो जाए। बिल्कुल, मैं ऐसे में वीडियो भी दिखा देता हूँ वीडियो में, और इसके रिंग का भी बता देता हूँ कि रिंग में जो है ना इसके आपका बर्ड का जो रिंग है आंखों का जो रिंग अंदर जो होता है तो वो जब क्लियर हो जाता है जब ही आपका उसका मेल फीमेल का कंफर्म होगा। चले मैं देख दिखाता हूँ। ये देखे ताहिर भाई ने एक पीस पकड़ा है तो एक और पीस पकड़ा है, पूरा पियर पकड़ेंगे ताकि जो है इजीली समझा सके हमें। पहले मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा पियर कि कैसे आपको आसानी से इसमें वाजे हो जाएगा कि मेल फीमेल कैसे होता है। ये देखें, ये फर्स्ट ब्रीड का तैयार हुआ हुआ पियर है। अच्छा। ठीक है ना, अब इसके रिंग में उसके रिंग में आप थोड़ा सा देखेंगे फर्क है। ये इसमें थोड़ा फटा हुआ है, ये इसमें थोड़ी सी रेडिश आ रही है कलर में और ये थोड़ा सा ऑरेंज है। ठीक है ना, और कलर तकरीबन सेम है लेकिन इसमें जो है ना थोड़ा सा इसका रिंग बड़ा हुआ हुआ है। ठीक है, जैसे ये टाइम बढ़ेगा ना तो ये रिंग और वाजे क्लियर होता रहेगा और इसका साइज और फैल जाएगा। अच्छा, ठीक है, चूँकि फर्स्ट ब्रीड के हैं तो इसमें मेल फीमेल का वाजे तौर पे बिल्कुल फर्क नज़र नहीं आ रहा है कि छल्ला मोटा हो जाता है मेल का और फीमेल का जो है ना छोटा इतना ही रहता है और फैल जाता है सिर्फ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं भैया, ये बिल्कुल वाजे निशानियाँ बता रहे हैं मेल फीमेल चेक करने की डब में। बहुत ज़्यादा लोग जो है इस हवाले से परेशान रहते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेल है, ठीक है ना, और इसके अंदर एक रिंग आ जाता है इसकी आंखों के अंदर ना, वाइट रिंग आ जाता है। जब ये वाइट रिंग आता है ना तो ये क्लियर हो जाता है मेल फीमेल का कन्फर्म उस टाइम। सही सही, बेहतरीन। अच्छा, ये जो बर्ड है ये अभी तैयारी की तरफ आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे लोग आके जो है ना फंस जाते हैं। वैसे तो बड़े में भी फंसते हैं कॉमनली, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो ब्रीडर भी थोड़े फंस जाते हैं आके ना, तो इसमें मेल फीमेल का पता ही नहीं चलता। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, हड्डी से चेक करते हैं। अच्छा। हड्डी के जोड़ ना मेल के बिल्कुल जुड़े हुए होंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये मेल है, ये भी छोटा है और ये मेल बनेगा कन्फर्म, क्योंकि पट्टों में जो मेल होता है वो मेल जो है ना रिंग छोड़ देता है बचपन में ही, और फीमेल का रिंग बहुत बाद बाद आता है, बहुत टाइम बाद आता है। तो इसमें जो है ये मतलब पट्टों में हड्डी से भी चेक किया जाता है, पट्टों में हड्डी से चेक कर लेते हैं इसीलिए, क्योंकि इनके जोड़ बिल्कुल मिले हुए हैं, ठीक है। और इनके हड्डी का गैप भी बिल्कुल सेम वो लबर्ड वाला होता है, हड्डी का गैप भी कम होता है और इसकी बॉडी थोड़ी सी दुबली स्लिम होती है, बाकी फीमेल थोड़ी सी फूली भी होती है। अच्छा, इसका रिंग जो है अभी इसका फूटना शुरू हो गया, ठीक है। तो इससे हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये मेल है, मतलब गैप ज़्यादा हो तो फीमेल है, गैप बहुत कम हो तो हाँ, ठीक है। और इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि रिंग अगर वाजे हो गया ना अगर पट्टे में ही, अच्छा। तो वो नर ही बनेगा लाजमी, और अगर थोड़ी दो ढाई महीने तीन महीने बाद उसका क्लियर होना शुरू हुआ तो वो मादा बनती है। अच्छा, सही। ये देख सकते हैं व्यूअर, ये बहुत वाजे निशानियाँ हमें बता रहे हैं ताहिर भाई। और अच्छा ताहिर भाई, ये भी बताएं इसमें पेयर लगाने के बाद कितना टाइम लगता है ब्रीड आने में? देखिए, पेयर बड़े में लगता है, ये मेल फीमेल कन्फर्म हो उसके बाद आप पेयर लगा दें इसका, तो ये इंशाल्लाह 10 से 15 रोज़ में ब्रीड कर जाते हैं। अच्छा। इसकी ब्रीडिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि आपने नेस्टिंग मटेरियल इसमें डालना है, ठीक है। मंथली बेसिस में आपने इसका नेस्टिंग मटेरियल चेंज करना है, क्योंकि इसके घास में जो है कीड़े हो जाते हैं और कॉकरोचेज वगैरह हो जाते हैं। तो आप ये कि मंथली बेसिस पे इसके जैसे अंडे से बच्चे निकल जाएँ तो आप देखें कि नेस्टिंग गंदी हो जाएगी, उसको आप झाड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आप जो है वो दूसरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें तरीका ये होगा कि आप हर महीने इंशाल्लाह करते रहेंगे ना, तो कीड़े वगैरह से भी आपकी हिफाजत रहेगी और बर्ड जो है ना बर्ड एक्टिव रहेगा। और जब कीड़े मकोड़े होते हैं ना तो बर्ड होते हैं इरिटेट, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसको ना, परेशानी का सामना होता है, जिसकी वजह से ये अंडे ख़राब कर देता है, बच्चे मार देगा या बच्चे नेस्टिंग से बाहर फेंक देगा, तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं इसमें ना। तो किसी भी बर्ड का ये होता है कि मटकी वगैरह हो गए, नेस्टिंग मटेरियल आप क्लियर करते रहेंगे ना हर ब्रीड में, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी और ब्रीड भी अच्छी आती रहेगी। और ये परिंदा है धूप का, ठीक है ना, इसको मैं पूछना चाह रहा था आपसे। ये परिंदा धूप का है और इसको जो है ना कम से कम 4 से 6 घंटे आप धूप दें इसको बर्ड को, और बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होती है तो थोड़ा सा शेड वगैरह बना के रखें ताकि मतलब इसको जो है कितना जो है टेम्परेचर सह सकती है? टेम्परेचर ये वैसे सह सकती है 45 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है, लेकिन ब्रीड के टाइम पे आप इसको 35, 36, 37, 38 इधर तक आप रख सकते हैं। ज़्यादा पे रखेंगे तो ये अंडे छोड़ के जो है ना फिर इधर उधर घूमना शुरू कर देती है इसकी आवाज़, अंडे नहीं सेकेगी और इसको गर्मी लगती है जो ब्रीडर पेयर होंगे। हाँ, पट्टों को आप गर्मी में रख सकते हैं, वो 45 डिग्री सेल्सियस तक भी जो है ना वो झेल लेते हैं। बाकी ये कि इसको जो है सॉफ्ट फूड वगैरह में आप वो ब्रेड भी दे सकते हैं आप इसको चूरा करके, और इसको जो है आप वो गंदम जो होती है गंदम क्रश करके वो भी दे सकते हैं आप, छोटी जो दलिया आता है वो गंदम का दलिया, उसको जो है छान के आप वो दे सकते हैं। भिगो कर या वैसे ही? वैसे भी दे सकते हैं, भिगो के भी दे सकते हैं। अच्छा, गंदम का दलिया हो गया, मकई का दलिया हो गया। अच्छा, और मतलब फास्ट ब्रीड का क्या तरीका है, किस तरीके से फास्ट ब्रीड ली जा सकती है? बिल्कुल, आप इसको धूप में रखें रोजाना, हर महीने आपका नेस्टिंग मटेरियल इसका चेंज हो बर्ड का, और हर दूसरे दिन आप इसको जो है लूसन प्रोवाइड करें। ये लूसन का बहुत शौकीन है ये बर्ड, लूसन खाते हैं मतलब? हाँ, खाते भी हैं और उसके ऊपर जाके ना बैठ जाते हैं, तो बड़ा इनको अच्छा लगता है। आप लूसन डालेंगे जाके उसके ऊपर बैठ जाएंगे और काफ़ी देर तक जो है ना ठंडक को महसूस करते हैं। उसके बाद फिर उसके बाद ये नेस्टिंग में ले जाते हैं उसको खाने पीने के बाद, पहले खाएंगे फिर उसके बाद बैठ जाएंगे, उसको आराम करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना अपने ही नेस्टिंग मटेरियल में जाके ना उसको ऐड कर लेते हैं मजीद। अच्छा तार भाई, कोई एहतियात बता दें इनमें कोई एहतियात? बस ये सिर्फ इसको ठंड हवा से बचाएं, ठंडी हवा से। बाकी बर्ड माशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी प्रोग्रेस देता है, अगर आपके पास 100 पट्टे निकले तो मैं कहता हूँ इसमें परसेंटेज डेड रेट जो है ना बहुत कम है, बहुत स्लो है। 100 पट्टे हैं तो इंशाल्लाह 100 के 100 पट्टे आपके वो बड़े हो जाएंगे और सेल भी हो जाएंगे, और आप उसको मजीद ब्रीड पे लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो और सेल आउट कर। अगर कोई परचेजिंग करना चाहे तो मोबाइल नंबर शेयर कर दिया अपना। नंबर मेरा 03132345904, मेन नागन चौरंग की लोकेशन है। चलो ठीक है ताहिर भाई, आपने टाइम दिया उसके लिए बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। तो ये थी बात हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हमने आपको बताया डब की पेयरिंग के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी ताहिर भाई ने, जिस तरीके से लवबर्ड में भी हमें बताया था। तो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन ताहिर भाई से रहनुमाई लेते रहेंगे पेयरिंग के हवाले से, बहुत ज़्यादा लोग जो है सीज़न में नॉर्मली जो है डिस्टर्ब होते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को प्लीज़ लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।